एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगू फैन फिक्शन मैरी ए लिटिल बॉय हु टर्न टू बी ए माफिया डैडी एवरी नाइट के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि जोंगकुक आगे कुछ भी कह पाता, द यंग जोंगकुक के टी शर्ट कमर से ऊपर की तरफ खींच लेता है। जोंगकुक के रिएक्ट करने से पहले ते झुक कर जोंगकुक के राइट साइड चेरीज पर अपना होंठ रख देता है और एक लिटिल बेबी की तरह इसे सक करना शुरू कर देता है। गलती एक्चुअली जोंगकुक की है, उसे पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए था। लेकिन जब वो लिटिल ते को फीड कराने के लिए मान गए, ते तुरंत उस पर अटैक कर दिया, जिससे जोंगकुक को संभालने का मौका तक नहीं मिला। तेयंग के इस हरकत से जोंगकुक शाई फील कर रहा था। जोंगकुक का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। ते वन चेरीज बेबी की तरह सक कर रहा था, जैसे एक बेबी करता है, और दूसरे के साथ खेल रहा था। बार बार उसे पिंच किया जा रहा था। जोंगकुक मौन करने पर मजबूर हो जाता है। जोंगकुक मौन करते हुए कहता है, हाँ बेबी प्लीज़ काम डाउन। हाँ ये बात सच है कि तेयंग अभी अपने लिटिल सेल्फ में है, लेकिन ये भूलना भी सही नहीं होगा कि ते स्टिल एक एडल्ट मैन है। तेयंग के एक्शन से जोंगकुक के शरीर कमज़ोर हो रहा था। जोंगकुक एक अलग ही सेंसेशन अपने शरीर में महसूस कर कराने लगता है। तेयंग लिटिल सेल्फ में है, लेकिन उसके पास टीथ हैं। तेयंग के टीथ जोंगकुक को हर्ट कर रहा था। ते जोंगकुक के चेरीज को बिल्कुल एक हंग्री बेबी के तरह ही सक कर रहा था, पूरी तरह उसमें खो गया था। जोंगकुक अपने मुंह को कवर कर लेता है, क्योंकि अब वो इसे और सहन नहीं कर पा रहा था। जोंगकुक अपने निचले हिस्से में प्रॉब्लम महसूस करता है। तेयंग एक लिटिल बेबी की तरह कुछ देर एक ही चेरीज को सक करने के बाद उसे छोड़कर दूसरे चेरीज पर होंठ रख देता है और फिर से इसके साथ भी सेम करने लगता है। जोंगकुक कहता है, ते बेबी शांत हो जाओ, तुम्हारे टीथ मुझे हर्ट कर रहा है, इससे मुझे दर्द हो रहा है। फिर मन में कहता है, व्हाट द हेल, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जोंगकुक कहता है, आह ते बेबी, अब तुम्हारा शौक पूरा हो गया है ना, तो मुझे छोड़ दो प्लीज़। तुम कोई 3 या फिर 4 साल के बच्चे नहीं हो, तुम एक 24 ईयर्स के ग्रोन अप मैन हो। ते शक करते हुए लिटिल बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल ते थी स्टिल हंग्री, पैट ते थे बैक। जोंगकुक कहता है, बेबी लिसन टू मी, तुम बिग बॉय हो ना, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, छोड़ो इसे, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना कर लेकर आता हूँ। ते कहता है, नो मॉमी, मुझे यही वाला, आपके वाला ही मिल्क ही पीना है, ते ते लव इट। जोंगकुक कस कर तेयंग के हेट अपने छाती से दबा लेता है। ते सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तेयंग जोंगकुक के हाथ पर थपथपाते हुए बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल यू हर्ट ते कैन ब्रीथ। जोंगकुक को जब एहसास होता है कि ते सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जोंगकुक तुरंत तेयंग के गर्दन से हाथ हटा लेता है। जोंगकुक शर्माते हुए कहता है, वो आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने नोटिस नहीं किया, तुम ठीक हो। तेयंग उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक तुरंत टी शर्ट खींच कर कमर के नीचे लेकर आता है। ते बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल यू आर सो सॉफ्ट। जोंगकुक ब्लश करते हुए नर्वस टोन में कहता है, बेबी तुमने एंजल से एक प्रॉमिस किया था, तुम्हें याद है। ते नहीं में अपना सिर हिला देता है। जोंगकुक कहता है, अरे तुम इम्पोर्टेंट बात इस तरह से कैसे भूल सकते हो, मैंने तुमसे कहा था ना, ये हम दोनों के सीक्रेट है, तुमने मिल्क टेस्ट किया, इस बारे में किसी को नहीं बताना है। ते बेबी लैंग्वेज में कहता है, बट एंजल इसमें से तो मिल्क बाहर ही नहीं आया है, ते थे स्टिल हंग्री। जोंगकुक कहता है, मैंने पहले ही बोला था एंजल के पास कोई मिल्क नहीं है, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम बैठो,
मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर आता हूँ, ओके? जोंगकुक अपने शर्मिंदगी को छुपाने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर किचन आकर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मेक करने के लिए फ्रिज में से दूध और आइस निकाल लेता है। उसके बाद फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेकर मिल्क शेक तैयार कर कमरे में आकर देखता है। ते चैन से सो रहा है। जोंगकुक तैयांग के बगल में सोने से हेजिटेट कर रहा था। तैयांग को नींद में बिस्तर पर उसे ढूंढते हुए देखकर जोंगकुक तैयांग के बगल में आकर लेट जाता है। जोंगकुक बेड पर लेटकर ते को हक कर लेता है। ते अपने दोनों हाथ जोंगकुक के कमर की चारों ओर लपेटकर उसे और करीब खींच लेता है। उसके बाद जोंगकुक के गर्दन में चेहरा छुपा कर फिर से सो जाता है। जोंगकुक तैयांग के मासूम चेहरे के तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, थोड़ी देर पहले मैं जो कर रहा था क्या ये सही था या फिर नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं तेई से प्यार नहीं करता। हाँ, मैं तेई से प्यार करता हूँ और आज मैंने जो कुछ भी किया तेई से प्यार करता हूँ उसी के वजह से किया है। लेकिन जब तैयांग को उसका मेमोरी वापस मिल जाएगा तब तैयांग को ये तो नहीं लगेगा ना कि मैं उसका लिटिल स्पेस में होने का फ़ायदा उठाकर खुद को प्लेजर महसूस कराना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी उसे यही लगे कि मैं उसका फ़ायदा उठाकर खुद को सेटिस्फाइड कर रहा था। अगले दिन सुबह सनलाइट की रोशनी जोंगकुक के फेस पर हीट करते ही जोंगकुक स्लोली स्लोली अपने आइज को ओपन कर लेता है। जोंगकुक आंखें खोलकर तैयांग की तरफ देखता है। तैयांग जो अभी भी उसे कस कर हक करके उसके साथ लिपट कर बेबी की तरह सो रहा है। जोंगकुक तैयांग के बेबी फेस को देखकर स्माइल करता है। जोंगकुक झुककर तैयांग के सॉफ्ट लिप्स पर एक पीक करके पीछे हट जाता है। जब उसे लास्ट नाइट के बारे में याद आता है जोंगकुक शर्मा जाता है। जोंगकुक शर्म से तैयांग के हाथ अपने कमर से हटाकर बिस्तर से उतारकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। जोंगकुक शावर ऑन कर शावर के नीचे खड़े होकर अपने बालों पर हाथ फिराते हुए नाइट के बारे में याद कर फिर से हॉट फील करने लगता है। जोंगकुक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आप को छूना शुरू कर दिया। तैयांग आँखें खोलकर जोंगकुक को बेड पर ना देखकर उसे आवाज देने लगता है, एंजल वेयर आर यू एंजल। तभी उसे बाथरूम के अंदर से शावर के साउंड सुनाई देता है। तैयांग बेड से उतरकर बाथरूम के पास आकर डोर पर नॉक करके कहता है, एंजल क्या तुम अंदर हो? जोंगकुक मन ही मन कहता है, ओह शूट, तेई उठ गया है। जोंगकुक धीरे से कहता है, यस बेबी आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, वेट में नहा रहा हूँ। नहाने के बारे में सुनकर तेई बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल मुझे भी अंदर आना है, मैं भी तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ। जोंगकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बेबी, वेट। जोंगकुक जल्दी से अपना काम खत्म कर शावर फिनिश कर बाथरूम से बाहर आकर देखता है। तेई बेड पर मुँह फुला कर बैठा है। जोंगकुक टावल से बालों को सुखाते हुए कहता है, बेबी अब तुम जाओ, जब तक तुम नहा रहे हो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मेक कर देता हूँ। टेल मी तुम क्या खाना चाहते हो? तैयांग गुस्से में मुंह फुला कर कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, यू आर वेरी बैड। जोंगकुक कहता है, तेई तुम इतना एंग्री क्यों हो? तेई बेबी लैंग्वेज में कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता था लेकिन तुमने अंदर ही नहीं आने दिया मुझे। जोंगकुक सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी, रात को हम दोनों साथ में शावर लेंगे, ओके? तेई कहता है, रियली? जोंगकुक कहता है, चल अब जल्दी से शावर लेकर नीचे आ जाओ। जोंगकुक किचन में तैयांग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी तैयांग किचन में आकर पीछे से जोंगकुक को कस कर हक कर लिया। तैयांग के छूने से जोंगकुक के शरीर कांपने लगता है। तैयांग जोंगकुक के गर्दन पर किस कर जोंगकुक के बॉडी सेंट को इनहेल करते हुए कहता है, एंजल यू स्मेल सो गुड लाइक फ्रेश फ्लावर, आई लाइक इट। एंजल तुम क्या कर रहे हो?
जंग को कहता है, बेबी मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ और अपने लिए कॉफ़ी मेक किया है। ते बेबी लैंग्वेज में कहता है, व्हाट अबाउट ते, तुमने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नहीं बनाया। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया है। ते बेबी लैंग्वेज में कहता है, लेकिन पहले मुझे तुमसे किसी चाहिए। एंजल फर्स्ट गिव माई किसी। जब से जंगकुक ते को उसके होठों पर किस किया है, तब से तयंग टाइम टू टाइम जंगकुक से किस मांगता है। जंगकुक के कुछ करने से पहले ते जंगकुक को कमर से पकड़ कर उसे अपने करीब खींचकर झुककर उसके होठों पर होठ रख देता है। जंगकुक आइज क्लोज कर लेता है। ते उसे आंखें बंद करते हुए देखकर खुद भी आंखें बंद कर लिया था। जंगकुक उसे सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन तयंग अचानक उसे रफली किस करने लगता है, जिससे माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। जंगकुक किस तोड़ कर थम से तयंग के लिप्स को वाइप करके कहता है, बेबी लेट्स ईट। ते जंगकुक के बात पर नोट कर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। ते क्यूट एक्ट करने लगता है। जंगकुक तयंग को फीड कराने लगता है। ते खाना मुंह में लेकर कहता है, एंजल मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तुमने किस ब्रेक क्यों किया। जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे लगा तुम्हें भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ते बेबी लैंग्वेज में कहता है, एंजल मुझे फिर से तुम्हारी मिल्क की चाहिए। तयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगता है। जंगकुक के हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है। जंगकुक कहता है, नो बेबी हम ऐसा नहीं कर सकते। ते कहता है, बट वाई एंजल। तभी जंगकुक के मोबाइल बजने लगता है। जंगकुक कहता है, सॉरी बेबी डैड का कॉल है, मुझे इसे अटेंड करना है। ते कहता है, ओके। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो डैड। मिस्टर किम कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना। जंगकुक कहता है, यस डैड। मिस्टर किम कहता है, तयंग के डॉक्टर का मेरे पास कॉल आया था, उसने कहा ते डॉक्टर के साथ अच्छे से कॉर्पोरेट कर रहा है। जंगकुक कहता है, जी हाँ। मिस्टर किम कहता है, जंगकुक मुझे तुम्हारी आवाज़ कुछ सही नहीं लग रहा है, तुम फिर से किसी चीज़ को लेकर परेशान तो नहीं होना, ते ने कुछ किया तो नहीं है ना। जंगकुक कहता है, नहीं डैड। अब शाम को जंगकुक ते के साथ गन फाइट कर रहा था, टॉय गन से दोनों फाइट कर रहा था, क्योंकि ते को गन से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी जंगकुक के मोबाइल में फिर से किसी का कॉल आ जाता है। जंगकुक कहता है, बेबी वेट तुम खेलो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। जंगकुक टेबल के ऊपर से मोबाइल हाथ में उठाकर देखता है, तो एक जिमिन का कॉल है। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो ह्योंग। जिमिन कहता है, हाय कुकी, क्या तुम सच में उस लिटिल स्पेस बॉय के साथ खुश हो। जंगकुक कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिमिना। जिमिन कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जंगकुक अगर तुम ये सब कुछ मेरे वजह से झेल रहे हो, तो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई मिस यू सो मच कुक। जंगकुक कहता है, आई मिस यू टू शॉर्टी। तुम खुद को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे वजह से नहीं किया है, मैं बस मिस्टर किम का मदद करना चाहता था, एक बार तेई बस ठीक हो जाए, उसे उसका मेमोरी वापस मिल जाए, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन पता नहीं मैं उसके बिना कैसे जी पाऊँगा। कॉल काट कर जंगकुक लिविंग रूम में आकर तयंग को ना देखकर उसे ढूंढते हुए बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में अंधेरा देखकर जंगकुक लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड को ढूंढने लगता है। जंगकुक स्विच बोर्ड ढूंढते हुए ते को आवाज़ देने लगता है, ते बेबी वेयर आर यू, क्या तुम कमरे के अंदर हो। तभी अचानक पीछे से उसे कोई दीवार के साथ प्रेस कर उसके दोनों हाथ कस कर पकड़ कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर होल्ड करता है। जंगकुक के गर्दन में होल्ड स्लाइड करने लगता है। तयंग के एक्शन के कारण जंगकुक के बॉडी फ्लेंज हो जाता है। जंगकुक कहता है, ते बेबी लिव मी, एक खेलने का समय नहीं है, तुम्हें भूख लगी होगी ना,
मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट डिश बनाया है। लेट्स गो बेबी, लेट्स ईट, तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है। यस बेबी बॉय, ऑफ कोर्स मुझे भूख लगी है, लेकिन खाने की नहीं। आई एम हंग्री फॉर यू बेबी बॉय, मैं तुम्हारे शरीर के हर एक अंग को खाना चाहता हूँ बेबी बॉय। तयंग के डीप वॉइस और सिडक्टिव वॉइस को सुनकर जोंगकुक के शरीर कांपने लगता है। जोंगकुक कांपती हुई आवाज में कहता है, ते लीव मी, व्हाट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो बेबी, तुम मुझे डरा रहे हो, क्या एक कोई नए गेम है? अगर एक गेम है तो मुझे इस तरह के गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तयंग अपने थम से जोंगकुक के लिप्स पर करेस करते हुए कहता है, बेबी बॉय इस तरह के बातें करके मुझे इरिटेट करना बंद करो, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जोंगकुक शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ तेई के तरफ घूरने लगता है। जोंगकुक के कुछ कहने से पहले तयंग उसे अपने आर्म्स में कैरी कर बिस्तर पर लेकर आता है। ते जोंगकुक को बिस्तर पर फेंक कर उसके तरफ अपने नशीली आंखों से घूरने लगता है। जोंगकुक तयंग को इस खतरनाक रूप में देखकर फेयर से अपने थूक को घटक लेता है। जोंगकुक हकलाते हुए कहता है, बेबी वेट, आई वोंट डू इट, मेरा मतलब तुम क्या कर रहे हो बेबी। तयंग स्मार्क कर चलते हुए वार्डरोब के पास आकर वार्डरोब ओपन कर उसमें से हैंड कप्स पर गले की पट्टा निकालते हुए डीप एंड डेंजरस टोन में कहता है, डरना बंद करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम्हें अच्छे से महसूस करना चाहता हूँ। अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ये कहकर तयंग स्मार्क करता है। तयंग को आगे बढ़ते देख जोंगकुक पीछे जाने लगता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तेई को उसका मेमोरी वापस मिल चुका है। हाँ ऐसा ही है, कहीं उसने मुझे मिस जस तो नहीं कर लिया है ना, क्या उसे याद है मैं उसका हस्बैंड हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं तेई मुझे स्टीपर या फिर कॉल बॉय समझ रहा है। ओह नो, जोंगकुक तयंग के इस लुक से डरकर खुद को तेई से सेफ करने के लिए चीखना शुरू कर देता है, कमरे के बाहर कोई है, नामजुन कहाँ मर गए सब लोग, हेल्प मी। तभी तयंग जोंगकुक के माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।